हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की अपने टॉप 10 क्वेश्चन की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। आज हम करने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करके हमको लाना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले हम लिख लेंगे LHS। तो LHS हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में है 1 माइनस टेन थीटा, फिर आगे प्लस में है साइन क्यूब थीटा और अपॉन में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें से क्या किया जाए कि ये आ जाए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट अपना पूरा साइन कॉस में है और ये वाला पार्ट भी कॉस में है, बट यहाँ पे टेन दिख रहा है, तो बस आप इसको चेंज कर लीजिए। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ऐसे रहने दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आपका वन है, और ये टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस करके आगे वाले ये जो वैल्यूज है ना, इनको आप ऐसे ही नोट कर दीजिए, इसमें कोई अभी आप चेंज मत करिए। साइन क्यूब थीटा और नीचे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना ही रहेगा। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे देखिए इस वाले का एलसीएम लेंगे। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वन है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इसके नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, और ये माइनस कर देंगे और आगे माइनस नहीं सॉरी प्लस है आगे, और इसको इसको ऐसे नोट कर देंगे। क्या आपके पास ये साइन क्यूब थीटा और अपॉन में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो कॉस है ना ये वाला, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे इसको अगली लाइन में, यहाँ लिख लेंगे हम कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में ये जैसे है इसको वैसे नोट कर लेंगे। तो यहां पर इसको नोट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, आगे है प्लस और यहां पे लिख देंगे हम साइन क्यूब थीटा और अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इतना है। अब देखिए दोनों चीजें नीचे सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी किसी एक को हमको यहाँ पे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, या तो इसको चेंज कर लें हम या तो इसको चेंज कर लें। चलिए हम इस वाले को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा को हम सेम ऐसे नोट कर लेंगे, तो लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये, तो यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब ये जो प्लस था ना, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बहुत अच्छा चेंज होने वाला है। जब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो होगा क्या कि यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले को चले, अच्छा रहने दीजिए, एक बार एक प्लस रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर जो है अपना साइन क्यूब ऊपर लिख देते हैं, साइन क्यूब थीटा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के प्लेस चेंज हो जाएंगे। अभी देखिए साइन पहले था ना, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन पहले था ना, तो अब क्या हो जाएगा कॉस पहले आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यही तो हमें लाना था। अब दोनों प्लेस पे आप देख रहे हैं सेम हो गया, अगर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो फिर से वापस यही वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और यहां पर ये दोनों वैल्यू जब सेम हो जाएंगी तो एलसीएम ले लेंगे इसका हम, तो दोनों नीचे हो जाएंगे क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब ये माइनस हो जाएगा तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीच माइनस आ गया ऊपर, और यहां पर हमने इसका ले लिया एलसीएम। अब यहां पर जो हमारे पास केस आ गया है ना, इसको ध्यान से देखिए, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो इसको देख करके कुछ याद नहीं आ रहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस सेम वही प्रॉपर्टी आपको लगा देनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है आप बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, याद है आप लोगों को? देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी पता क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो यहां पर हम वही लगाने वाले हैं, तो पहले लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यानी ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को चलिए लिख भी देते हैं, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगी वाली प्रॉपर्टी, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई किए ना उसको सिंस करके लिखना भी पड़ेगा, तो आप सिंस करके लिख देंगे, सिंस
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ओके, यहां पर आपने इसको नोट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पर देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये हो गया कैंसिल, पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब ये जो यहां पे बचता है ना, इसको हम लोग यहां पे नोट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी से बताइए क्या होता है। ये होता है आपका वन, तो यहां लिख देंगे वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। और हमको प्रूफ क्या करना था, देखिए हमारे क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था वो तो यही ला रहा था ना, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोगों ने यहां पर ला दिया है कि वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन देखिए काफी आसान है, बस आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा आप लोगों को। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।